मैम, सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा वो ये है कि टीनेज में, स्पेशली टीनेज में, लड़कियों की डाइट कितनी इम्पॉर्टेंट है? टीनेज में लड़कियों की डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दीज आर द बिल्डिंग ईयर्स फॉर योर फ्यूचर। जब बॉडी में इस टाइम पे इतने चेंजेस आ रहे होते हैं फिजिकली, इमोशनली, सो योर डाइट नीड्स टू बी एडिक्वेट कि वो उन सब चेंजेस को, जो बच्चा उस एज में है, वो संपूर्ण तरीके से उसको पूरा कर सके और उसकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज ना आए जो कि बाद में उसको प्रॉब्लम दे। जी, तो लिसनर्स, ये आपने सुन लिया है कि टीनेज में गर्ल्स की डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, और जैसे कि मैम ने कहा कि अगर डाइट प्रॉपर नहीं होगी तो उसकी बॉडी में कई डेफिशिएंसीज आ सकती हैं, कई न्यूट्रिएंट्स कम रह सकते हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए डाइट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। मैम, अगला सवाल ये होगा कि किस तरह की डाइट हमें रखनी चाहिए ताकि उसकी बॉडी जो है वो कोप अप कर सके जो कि फिजिकल चेंजेस इवॉल्व हो रहे होते हैं बच्चों में। देखिए, टीनेज हम इयर्स लेंगे 13 to 17-18 इयर्स, सो इसमें जो कैलोरी रिक्वायरमेंट की हम पहले बात करें, दिस वेरीज फ्रॉम समवेयर बिटवीन 1600 to 2000 कैलोरीज फॉर गर्ल्स, क्योंकि 13 इयर्स में कई बच्चों की हाइट बहुत कम होती है, कई लड़कियों की बहुत बढ़ जाती है, तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्ट्रक्चर योर कैलोरी रिक्वायरमेंट विल चेंज, सो वो वेरिएशन काफ़ी रहती है, इट विल बी एनीवेयर बिटवीन 1600 to 2000 कैलोरी। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, एवरी न्यूट्रिएंट इज इम्पॉर्टेंट, बट वन न्यूट्रिएंट विच गेन्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस इन गर्ल्स एट दिस एज इज आयरन। जी, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, ब्लड लॉस शुरू होता है, तो और कई बार जब टीनेज में ये पीरियड शुरू होता है तो ब्लीडिंग कई बच्चों में बहुत हैवी होती है, उसके कारण अनीमिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आयरन जो है हमारी डाइट में रिच हो और वो बच्चों को पूरी क्वान्टिटी में मिले, ताकि वो इस पीरियड को आराम से वो निकल सके एंड दे डोंट हैव प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो लिसनर्स, ये आपने सुन लिया है कि 13 साल से 17 साल तक का जो पीरियड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैम ने बताया कि जिस तरह से उसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा, जितना बच्चे का हाइट होगी या उसकी फिजिकल वेल बिल्ट होगी, उसी हिसाब से उसकी डाइट होगी, और मैम ने आपको ये भी बता दिया है कि कैलोरीज का अमाउंट होगा 1600 to 2000, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आयरन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैम ने अभी हमें आयरन की इम्पॉर्टेंस तो बताई, लेकिन मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि आयरन बच्चे में किस तरह से, हमें किस तरह उसके खाने में दिया जाए। देखिए, आयरन का मेन सोर्स है हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जी, साग, पालक, मेथी, ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुड़, जो अब हमने खाना बहुत बंद कर दिया है, अब हम सब रिफाइंड शुगर खाते हैं, गुड़, शक्कर, दीज ऑल्सो हैव आयरन इन सम क्वांटिटी। देन जो लोग नॉन वेज लेते हैं, तो जो ऑर्गन मीट्स हैं उसमें आयरन की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है, जैसे कलेजी जिसको बोलते हैं, लिवर, उसमें, इन पार्ट्स में, सो दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ आयरन। तो लिसनर्स, मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि बच्चों को हरी सब्जियाँ खाने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और जितनी भी गर्ल्स ये सुन रही हैं हमारा शो, उनके लिए स्पेशली मैं बता दूँ कि अगर आपको अपनी फिजिक बहुत अच्छी करनी है, ग्लो लेके आना है और खूबसूरत बने रहना है, तो आयरन की कमी मत आने दीजिए, एनीमिया का डर उसे ख़त्म ही कर दीजिए तो बढ़िया है। साग, पालक, मेथी, और नॉन वेजिटेरियन है तो नॉनवेज भी खाते रहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। कि डाइट में ब्रेकफास्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, तो मैम जरा इस बात पर रोशनी डालिए। देखिए, ये पीरियड है जो स्कूल गोइंग ईयर्स हैं बच्चे के। जी, एंड देन अ ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू हाई स्कूल, तो सारा दिन जब अपने स्कूल में पढ़ाई करनी है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। मगर ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है कि वो सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं। जी, दे विल प्रॉब्ली हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड रन अवे, सो दे डोंट हैव अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट। सो ऐसी केसेस में जनरली देखा गया है कि द चिल्ड्रन अराउंड 11, 10, 11 दे स्टार्ट फीलिंग लो, और कई केसेस में ये भी देखा गया है कि टीचर्स ने, कि गर्ल्स स्पेशली, दे फेंट इन द क्लास, दे फेंट इन स्कूल। सो इसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है कि अपने बच्चे को छोटी एज से ही
सुबह कुछ खा के स्कूल जाने की आदत डालें. इट कैन बी अ स्मॉल स्नैक इफ नॉट अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट, विच इज स्नैक विच इज पावर पैक्ड जैसे हम कहते हैं. तो वो थोड़ा सा कुछ खाने की आदत बच्चे को जरूर डालें ताकि वो उसमें एनर्जी हो, उसमें स्टैमिना हो कि वो स्कूल का पीरियड जो है टिल रिसेस, क्योंकि रिसेस नॉर्मली स्कूल्स में 10:30, 45, 11 के अराउंड होती है. तो 6 बजे से बच्चा स्कूल में जब उठा हुआ है तो उसको 11 बजे तक कुछ चाहिए एनर्जी. ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली ऑन स्कूल डेज. तो लिसनर्स, ये आपने सुन लिया है कि ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे नाम बता रहा है ब्रेक द फास्ट, तो अपना फास्ट जो सारी रात सोकर व्रत किया है उसे तो तोड़ दीजिए, कुछ तो खाइए. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप स्कूल में फेंट नहीं होना चाहते और आप ऐसे नहीं शो करना चाहते कि आप बहुत लेज़ी हैं, स्विफ्ट नहीं हैं, तो आपको ब्रेकफास्ट करके जाना ही चाहिए. और पेरेंट्स आपको ये आदत बच्चों को बचपन से ही डालनी होगी ताकि बड़े होकर भी उनकी अच्छी आदतें बनी रहें, क्योंकि बाद में अगर हमारा फल पक गया है तो उसको कैसे चेंज करेंगे हम. तो मैम, ब्रेकफास्ट की अगर हमने बात की है तो कई बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है. इवन कॉलेज स्टूडेंट्स भी ऐसे ही होते हैं कि फटाफट से भाग के उन्होंने बस पकड़नी है, टैक्सी लेनी है. तो अगर पेरेंट्स उन्हें रोकें कि आप खाना खा के जाइए, ब्रेकफास्ट करके जाइए, तो वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हम फटाफट जा रहे हैं, कुछ है फटाफट से फास्ट ऐसी चीज़ जो मैं हाथ में पकड़ के ले जाऊँ तो मैं खा लूंगा रस्ते में. तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, इसके बहुत सारे सोल्यूशन ढूंढे जा सकते हैं. एक है कि आप ब्राउन ब्रेड का सैंडविच जी, उसमें खीरा, प्याज, टमाटर, वेजिटेबल्स लगाकर एक सिंपल सा सैंडविच बनाकर आप बच्चे को दे सकते हैं. आप वेज मेयोनीज लगाकर बच्चे को सैंडविच बनाकर दे सकते हैं, वो ऑन द रन खा सकता है. आप एक सॉफ्ट सी चपाती या पराठी बनाएं, उसके अंदर जो भी सीजनल वेजिटेबल आपने घर में बनाई हुई है उसमें डालें, उसके अंदर थोड़ा सा प्याज डालें, उसके अंदर थोड़ी सी चटनी हरी पुदीने की डालें, और उसको एक काठी रोल की फॉर्म में रैप करके फॉइल के अंदर या टिश्यू के अंदर रैप करके को बच्चे को दे दें, तो वही पराठा और सब्जी वो जो वैसे नहीं खाता है शायद काठी रोल की फॉर्म में खा लेगा. जी बिल्कुल सही. तो ऐसे यू हैव टू थिंक ऑफ ऑप्शंस. एग इज अ कंप्लीट प्रोटीन, बॉइल्ड एग, इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स टू ईट अ बॉइल्ड एग. तो एक दूध का ग्लास और एक बॉइल्ड एग भी अगर बच्चा खा जाता है तो देन ऑल्सो ही हैज सम एनर्जी टू वर्क थ्रू द डे. कॉर्नफ्लेक्स कई बच्चों को पसंद आते हैं, तो कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क एंड यू कैन जस्ट चॉप अ लिटिल नट्स इन टू इट विच गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी, यू कैन गिव दैट. अगर बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं खाता है, जस्ट गिव हिम अ हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स. जी, वो मुट्ठी में या अपनी पॉकेट में डाल के थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेके जा सकता है जो वो बस में या ऑटो में मंच कर सकता है. सो दैट कैन ऑल्सो बी, जो बच्चा बिल्कुल नहीं हाथ खाता है उसके लिए ऐसी ऑप्शन भी हो सकती है. सो यू हैव टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेकफास्ट आपको खाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए. जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं यूजुअली बड़े सिटीज़ में, वो बस में जा रहे हैं तो दे आर टेकिंग 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर एनी वे. सो यू कैन जस्ट पैक अ ब्रेकफास्ट एंड गिव इन द बस. जैसे आप टिफिन रिसेस का दे रहे हैं, वैसे आप एक ब्रेकफास्ट टिफिन दे दीजिए बच्चे को, जो बच्चा बस में खा सकता है अगर उसके पास घर में टाइम नहीं, अगर वो बहुत जल्दी घर के लिए से निकल रहा है, तो ही कैन हैव दैट इन द बस. बिल्कुल सही. तो लिसनर्स, ये आपने सुन लिया है कि ब्रेकफास्ट स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है, और मैम ने आपको कई ऑप्शंस बता दिए हैं, जैसे कि आप दूध ले सकते हैं एग के साथ, कुछ आप चाहें तो फ्रूट्स भी लेके जा सकते हैं, या मैम ने सबसे अच्छी चीज़ बताई काठी रोल बना के आप दे सकती हैं बच्चे को, परांठे में सब्जी डाल दी तो सारा फूड ही आपने उसको दे दिया. तो ऐसी चीज़ें आप कर सकती हैं, मतलब पेरेंट्स को भी कुछ अल्टरनेटिव्स तो ढूंढने ही पड़ेंगे. मैम, एक कॉमन प्रॉब्लम स्कूल्स में आती है कि कई बार जब उनकी पीटी टीचर या पीटी टीचर्स कंप्लेंट करती हैं कि बच्चों में लो बीपी की शिकायत इसी छोटी सी एज में आने लग गई है, तो इस प्रॉब्लम से उनकी डाइट मुझे तो लगता है काफी ज्यादा रिलेटेड करती है. डाइट ही रोल प्ले करती है जी. क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बच्चे ने रात भर फास्ट किया है, मॉर्निंग में उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो उसमें कोई एनर्जी नहीं होगी कि वो फिजिकल एक्टिविटी करे. जी, अगर उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो उसको कैलोरीज रिक्वायरमेंट है जो उसको मॉर्निंग में लेनी है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द चाइल्ड ईट समथिंग बिफोर ही रीचेस स्कूल, सो दैट ही हैज द एनर्जी टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़. पढ़ाई के अलावा जितनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी बच्चे के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है. स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस एज. जो बाद में मोटापा आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि इस एज में जब हम फिजिकली एक्टिविटी हमारी बहुत निल हो जाती है,
तो वो कैलोरी पाइलअप धीरे धीरे होते हुए वो अगले कुछ सालों में वो आपको मोटापे की नज़र में शक्ल में नज़र आती है जी। तो फिजिकल एक्टिविटी, वो बीपी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, अगर बीपी लो होता है तो उस टाइम पे कुछ ऑप्शंस होती हैं कि आप नींबू पानी उसमें खूब सारा नमक और चीनी डालकर वो बच्चे को पिला सकते हैं। कॉफ़ी अगर अवेलेबल है तो कॉफ़ी इज़ अ वेरी बिग बूस्टर इन लो बीपी। बादाम या ड्राई फ्रूट्स वो रेज करने में बीपी बहुत हेल्प करते हैं। मनक्का, एक ड्राई रेजन्स जैसे आते हैं हम किशमिश, उसी तरह से एक मनक्का आता है, वो आप दे सकते हैं बच्चे को। दीज आर थिंग्स विच बूस्ट योर बीपी इमिडिएटली। तो लिसनर्स, ये आपने सुन लिया कि हर एक बीमारी का कारण यही है कि आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया है, तो आप सारा दिन आप लो रहेंगे। और अगर लो बीपी की प्रॉब्लम है तो मैम ने आपको बहुत अल्टरनेटिव्स बताए हैं कि ऑन द स्पॉट आपकी तबीयत उससे ठीक हो सकती है, जिस तरह से आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, या मनक्के की बात की गई है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन ये आपको तभी लेने हैं अगर आपका बीपी लो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे ब्रेकफास्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो ब्रेकफास्ट करके जाइए, ऐसी प्रॉब्लम आने ही ना दीजिए। क्विट डाइट का रोल टीनेज में कितना इम्पॉर्टेंट है, तो मैम हमें ज़रा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, वी नीड टू हैव फ्लूइड्स। जो यहाँ का मौसम हम लें तो सर्दियों में 10-12 ग्लासेस ऑफ वाटर, और गर्मियों में 12-15 ग्लासेस ऑफ वाटर इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। दिस इज वाटर। इन एडिशन टू दिस, समर्स में जैसे है तो आपको नींबू पानी, लस्सी, ये चीज़ें लेनी चाहिए। मगर जो आप कोल्ड ड्रिंक्स और सोडास पीते हैं वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं, हाइड्रेट नहीं करते हैं। दे हीट डिहाइड्रेट योर बॉडी। इवन टी एंड कॉफी टू सम एक्सटेंट डिहाइड्रेट योर बॉडी, दे डोंट हाइड्रेट योर बॉडी। सो लिक्विड जो लेना है वो आपने मैक्सिमम पानी की फॉर्म में लेना है। पानी में आप नींबू ऐड करते हैं, चीनी ऐड करते हैं, वो एडिक्वेट है। कोकोनट वाटर इज अ वेरी गुड ऑप्शन, विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ मिनरल्स and is tasty, is refreshing in summers. So it is very important. और बच्चे जब स्कूल में होते हैं, धूप में खेलते हैं, तो कई reasons उनके low BP और उसके ये होते हैं कि they are dehydrated. जी। So you need a lot of fluid. आप बच्चों को water bottle, इस age में बच्चों को bottle, tiffin ले जाना थोड़ी शर्म आती है, but if you teach them that this is how important it is for them, they will also realize, and their science students all are studying, they can check these things on the net and they can explore the options. So taking a lot of fluids is very important. Bilkul sahi. To listeners, aapne sun liya hai ki liquid diet bhi aapke liye bahut important hai. Water bottles ki maam ne abhi baat ki hai, to उसमें शर्म की क्या बात है, आप दूसरी बॉटल्स ले जाइए अगर आपको टांगने वाली बॉटल्स नहीं चाहिए। आजकल बहुत स्मार्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सिपर्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी अच्छी बॉटल्स, एवरी काइंड यू कैन गेट। जी, तो लिक्विड डाइट का भी रोल उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपके पूरे दिन की डाइट का है, क्योंकि इसी से ही आपकी पूरी ग्रोथ हो पाएगी, डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगी। तो पानी का अमाउंट होना ही चाहिए, और पानी जितना ज्यादा पिएंगे उतना ही अच्छा, उससे स्किन भी अच्छी रहती बहुत है, ग्लो करती है। तो गर्ल्स स्पेशली, आप लोग जितना पानी पिएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपकी स्किन ग्लो करती रहेगी और पिंपल्स वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो मैम अगला सवाल ये पूछूंगी कि मैंने आज रिसर्च करते करते ये पढ़ा था कि एक 5-day मील रूल होता है टीनेजर्स में, तो वो रूल क्या है? 5-day मील रूल ये है कि हम कहते हैं कि हेल्दी डाइट खाएंगे जी। तो इस एज में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की एज है ये, वहाँ वेर यू वॉन्ट टू ट्राई न्यू थिंग्स, वेदर इट इज़ फूड, वेदर इट इज़ गोइंग आउट, एवरीथिंग। सो वी से एटलीस्ट फॉलो द 5-day रूल, दैट 5 days यू ईट अ गुड हेल्दी डाइट, 2 days यू कैन हैव चीट्स। ओके, सो यू कैन हैव दोस चीट्स ऑन 2 days, बट फॉलो अ गुड हेल्दी ईटिंग डाइट प्लान फॉर 5 days एटलीस्ट। जी, तो लिसनर्स ये बहुत अच्छी बात मैम आपने बताई, मेरे लिए भी हेल्पफुल है कि 5 दिन हेल्दी खाना खाइए, भरपूर घर का बना हुआ खाना, स्वादिष्ट खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए, और 2 दिन चीटिंग कर लेंगे तो क्या जाता है, इतना तो चलता ही है, तो इतना आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 5 दिन प्रॉपर डाइट लेनी ही है। मैम अगला सवाल ये होगा कि हेल्दी टीथ और बोन्स के लिए
टीनेज में, स्पेशली टीनेज गर्ल्स में डाइट किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ. तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हमारा मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम है हमारी डाइट में, उसमें पनीर, दही, दूध, इस सब की इंटेक जरूर होनी चाहिए. सो अबाउट 2 glasses ऑफ मिल्क प्लस कर्ड और पनीर की सर्विंग. अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो एग ऑल्सो हैज सम कैल्शियम, या नॉन वेज चिकन फिश आप 1 या 2 बार हफ्ते में ले रहे हैं. सो ऑल दीज शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डाइट. मैम, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो दूध नहीं पी रहा, बिल्कुल भी दूध नहीं लेते टीनेजर्स आजकल तो स्पेशली, लेकिन ऐसा होता है कि नॉन वेज जैसे चिकन की बात है तो चिकन वो एवरी डे लेते हैं बिकॉज ऑफ यू नो बाहर का उनको नॉनवेज बहुत पसंद आता है, चिकन टिक्का हो गया, तो रोज चिकन ले रहे हैं बट दूध नहीं ले रहे हैं, तो क्या इससे? देखिए, अगर आप दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स एटलीस्ट 2 servings आर रिक्वायर्ड. तो अगर आप दूध की फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, आप दही की फॉर्म में ले लीजिए या पनीर की फॉर्म में ले लीजिए. नॉनवेज कैन बी एन एडिशन बट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट. सो यू हैव टू टेक एटलीस्ट 2 servings ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स. तो लिसनर्स, ये आपने सुना है कि सब्स्टिट्यूट नहीं है चिकन, आपको दूध, दही, पनीर, ये सब चीजें किसी ना किसी तरीके से लेनी ही है. और आजकल इनकी अच्छी तरह, आजकल बहुत सारे फ्लेवर्ड मिल्क अवेलेबल है, घर पे आप शेक्स अच्छे से बना सकते हैं. इट्स नॉट कि आपको दूध का ग्लास सिंपल गर्म दूध के फॉर्म में ही लेना है. आप उसकी कोल्ड कॉफी बनाकर पी सकते हैं, आप उसका स्ट्रॉबेरी शेक बना सकते हैं, चॉकलेट शेक बना सकते हैं, आप उसमें कोई भी फ्लेवरिंग, आजकल केसर बादाम एंड ऑल दोज फ्लेवरिंग्स आर अवेलेबल, यू कैन ऐड एनी ऑफ दोज एंड दे हैव देम अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. यू हैव बॉर्नविटा, यू हैव पीडियाश्योर, देयर आर सो मेनी वेरिएंट्स अवेलेबल, सो यू कैन ट्राई एनी ऑफ देम. And whatever you like, you can have it in that form. जी. You can have curd, you can have a smoothie, fruits mix कर सकते हैं, banana shake, mango shake, curd के अंदर आप fruits blend करके उसकी आप smoothies बना के ले सकते हैं. For people who are diet conscious, who are a little overweight in this age, so smoothies is a very good option for them. जी. So you can try all those. तो लिसनर्स, मैम ने आपको अल्टरनेटिव्स भी बता दिए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, चाय इसका अल्टरनेटिव नहीं है. नो, टी नो वे, बिकॉज़ आई अर्लियर टोल्ड यू टी एंड कॉफी डिहाइड्रेट योर बॉडी. तो लिसनर्स, दूध वाली चाय इसका अल्टरनेटिव नहीं है, आपको बाकी सारे अल्टरनेटिव्स मैम ने बता ही दिए हैं. तो मैम, अगला सवाल ये होगा कि मोटापे की हम बात करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ क्यों, आजकल की लड़कियां मोस्टली ऐसी हैं कि कुछ भी खाने को उनको दो, कुछ हेल्दी माँ बाप उनको कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा दही लगा लो, थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा दही ले लो, या थोड़ा बटर परांठे पे लगा लो, तो उनको यही डर रहता है कि कहीं हम मोटे ना हो जाएं, और इसी के चक्कर में वो लोग खाते नहीं हैं प्रॉपरली. देखिए, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें 45-65% कैलोरीज शुड कम फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे सोर्सेज क्या है? व्हीट, ब्रेड, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेन ये सोर्सेज हैं. उसके बाद 2-3 servings जैसे मैंने पहले बोला मिल्क की होनी चाहिए हमारी डाइट में. उसके बाद फैट्स शुड नॉट बी मोर देन 25-30% ऑफ योर डाइट. तो अगर आप बहुत फ्राइड खाना खा रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू पाइल अप एंड शो इट्स रिजल्ट्स एज फैट लेटर. बट ईटिंग अ हेल्दी नॉर्मल डाइट, दही, दूध, अ लिटिल बिट ऑफ बटर इज नॉट गोइंग टू हार्म यू इफ यू हैव अ गुड फिजिकल एक्टिविटी लेवल. So instead of being afraid of food, increase your physical activity level. बिल्कुल सही. थोड़ी सी ग्राउंड में आजकल बच्चों का खेलना बंद हो गया है, स्पेशली गर्ल्स का, एज दे रीच देयर टीन्स आई सी द एक्टिविटी लेवल इज रियली रिड्यूसिंग. कोई स्पोर्ट ज्वाइन कीजिए, कोई गेम कीजिए, स्विमिंग कीजिए, बैडमिंटन खेलिए. सो एनी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी यू एड, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन फूड. बिकॉज जो अभी आपकी डिफिशियंसीज कैल्शियम, आयरन अगर आती हैं, तो लेटर स्टेज में इनको फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड एट टाइम्स दे हैव वेरी सिवियर इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी. सो टेक अ गुड डाइट इन योर टीनेज ईयर्स सो दैट यू आर रेडी फॉर योर अडल्ट लाइफ. जी, तो लिसनर्स, ये आपने सुना कि खाने, वैसे तो मैं आपको एक एडवाइस ही दे दूं कि खुलकर खाइए और खुलकर खेलिए. बिल्कुल सही कहा शुक्रिया आपने. मैम, ईटिंग डिसऑर्डर्स ये भी एक प्रॉब्लम है, तो ये क्या है? आजकल मीडिया हैज क्रिएटेड दिस इमेज ऑफ जीरो साइज, सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एनोरेक्सिया नर्वोजा, बुलिमिया, दीज आर प्रॉब्लम्स इन विच एक तो ये है कि लोग खाते ही नहीं हैं, डरते हैं कि हम वेट पुट ऑन कर लेंगे. दूसरा, दे विल ईट इन फ्रंट ऑफ पीपल बट दे विल गो एंड फोर्स देमसेल्व्स टू थ्रो अप द फूड दैट दे ईटन. And just to come to that zero size, वो एक image है. But now I think the media has also realized how wrong it has gone on building that image of zero size.
good, healthy Indian woman image is coming up with a lot of actresses and all those people supporting that image. See, European women, American women, Indian women have a different body structure. So, जो Indian women का body structure है, वो बहुत beautiful body structure है. उसको adopt कीजिए. आपको, you don't have to go the Western way for everything. There is a lot of good in our country. Let's cherish that. जी, बिल्कुल सही. तो, listeners, ये बहुत important चीज़ है कि हर एक चीज़ blindly follow नहीं करनी चाहिए. और ये कहा जाता है कि world में भारतीय महिलाएं ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं. तो अगर आपने अपनी पहचान ही खो दी, तो आपके पास कुछ नहीं रहा. आपके दोनों हाथ खाली रह जाएंगे. और खाना पीना एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान जीता है. और प्रॉपरली खाएंगे, नरिश्ड खाएंगे, तो एक तो खूबसूरती भी बनी रहेगी, शरीर ठीक रहेगा और आपकी सोच भी उतनी ही अच्छी रहेगी. तो मैम, अब जाते जाते एक मैसेज. मैं मैसेज इस एज के बच्चों को यही दूंगी कि जैसे शिवांगी ने कहा, खूब खाओ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो आपको पसंद है, आपके एवरीथिंग यू शुड टेक. एंड फिजिकल एक्टिविटी लेवल प्लीज अपना कम मत कीजिए. बिल्ड दैट अप. अगर अभी तक वो नहीं रहा था, वो धीरे धीरे आपका स्टैमिना भी बिल्डअप होगा एंड यू विल एंजॉय दैट लेटर. तो मैम ने आपको बहुत सही मैसेज दिया है कि खेल को जारी रखिए, नरिश्ड खाइए और तंदुरुस्त जीवन जिए.